गांधी जी के बारे में एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि एक महिला जाती है गांधी जी के पास, वो कहती है कि मेरा बच्चा गुड़ ज्यादा खाता है। तो गांधी जी कुछ नहीं बोलते हैं उस दिन, वो महिला वापस चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद जाती है वो महिला दोबारा गांधी जी के पास, तो गांधी जी कहते हैं कि बेटा गुड़ मत खाया कर। तो उस महिला ने पूछा कि उस दिन आपने, मतलब कुछ दिन पहले भी तो मैं आई हुई थी, तो उस दिन आपने एक शब्द क्यों नहीं बोला? तो गांधी जी ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला था कि उस दिन तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था। तो इसका मतलब आप समझे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आप दुनिया में किसी और में बदलाव करने की बात कर रहे हैं या बदलाव देखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले अपने अंदर तो लाइए। वो कहते हैं ना कि सफाई पहले आप देश को साफ नहीं कर सकते या भ्रष्टाचार को आप खत्म नहीं कर सकते जब तक कि अपने अंदर का या अपने परिवार, अपने मतलब आसपास खत्म ना कर दें। और आपको मुझे लगता है कि बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है जब तक कि वही है कि हम खुद अपने मतलब गलियान, हमारी खुद गंदी है और हम दूसरे की गलियान में झांक रहे हैं, तो पहले हमें अपने अंदर तो झांक लेना चाहिए। और अभी देख रहा था सोशल मीडिया पर, देखिए गांधी जी के बारे में या सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, देखिए आजादी में सबका योगदान रहा है, किसी के योगदान को मतलब आप ठुकरा नहीं सकते हैं। ये जो लिखते रहते हैं गांधी जी की बुराई करते रहते हैं या भगत सिंह की, किसी भी की बुराई करते हैं, ये वो लोग हैं आप समझिए कि जो मतलब सोशल मीडिया पर ही कहानी किस्से पढ़ते रहते हैं, जिन्होंने किताब अपनी जिंदगी में कोई नहीं पढ़ी है, समझ रहे हैं? महात्मा गांधी की आप लोग कभी अगर टाइम मिले तो बायोग्राफी पढ़िए। मैंने जो बायोग्राफी कवर की थी सभी नेताओं की, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उसमें केवल कुछ ही भाग शामिल किए गए, मतलब अब कहिए कि ओवरव्यू दिया गया है पूरा। इसलिए पढ़ाए गए थे कि कम से कम सही गलत का फर्क तो मालूम चले, तो कम से कम आपको मालूम तो होना चाहिए कि गांधी जी क्या थे क्या नहीं थे। आज देखिए दुनिया भर में कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी देश में गांधी जी की प्रतिमा लगाई जा रही है, गांधी जी के रास्तों पर चलने की बात की जा रही है। हमारे देश में आप देखिए, मैं उनकी उन कार्टूनों की बात कर रहा हूं, आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या आपने इतिहास पढ़ा है विस्तार से, तो आप जरूर जानते होंगे कि गांधी जी सब एक ही थे, सबका योगदान बराबर ही लगभग। और आप कभी देखिए दिमाग में भी मत रखिए कि गांधी जी को झुठलाना या गांधी जी के बुरा बारे में गलत कहना। आप लोग थोड़ा किताबें पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत मतलब भद्दे भद्दे कमेंट देखते हैं सोशल मीडिया पर, और ये मतलब वही कार्टून दे रहे होते हैं ये भाषण, जिन्होंने ना तो भगत सिंह के बारे में कुछ जानते हैं ना राजगुरु के बारे में कुछ जानते हैं, बस फेसबुक व्हाट्सएप वाली दुनिया में सर्च करते रहते हैं, उनके पास कोई मैसेज आता है फॉरवर्ड कर देते हैं और उसी पर वो भरोसा कर लेते हैं, जिन्हें अपने माँ बाप का मतलब आप सोचिए कि बाप का इतिहास मालूम नहीं है, वो भी गांधी जी भगत सिंह के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अरे अपने मतलब परिवार का इतिहास तो जान लो, पहले इतिहास की परिभाषा तो जान लो, उसके बाद तुम कमेंट करो शायद अच्छा लगे। लेकिन आप लोग अगर सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस या कहीं भी एक जागरूक इंसान की तरह बोले तो हमेशा सबका बैलेंस बनाते हुए लिखिए, किसी के बारे में बुराई ज्यादा मत लिखिएगा आंसर राइटिंग में, कहीं भी आप लोग बोल रहे बड़ा बैलेंस बनाकर। एक देश में बांध संकुचित करो ना इसको, गांधी का कर्तव्य चेत दिक नहीं काल है, गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। एक बात आप लोगों को मालूम होगा कि एक पीरियड ऐसा भी रहा है कि जिसमें गांधी युग कहा गया, जिसे आप समझ सकते हैं मतलब कितना महत्व रहा है। उस समय विरोध भी तो कैसे कर सकते हैं थे, भगत सिंह करते, राजगुरु करते कि मेरे नाम पर रखा जाए, सब एक थे, सबका उद्देश्य एक ही था, आजादी चाहिए थी। अब किसी का देखिए रास्ता अलग हो सकता है, किसी का रास्ता अलग हो सकता है, आप भी तो देखिए आप सफल होना चाह रहे हैं, आपका रास्ता अलग है, दूसरे का रास्ता अलग है, लेकिन चाहते तो सफलता ही है। तो महात्मा गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को ना सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
गांधी जी ने अपने जीवन काल में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया है और दुनिया भर में हाशिए पर स्थित समूहों और उत्पीड़ित समुदायों की आवाज उठाने में भी अतुलनीय योगदान दिया है। न्यू इंडिया के निर्माण में महात्मा गांधी की भूमिका और उनका प्रभाव निर्विवाद है। वर्तमान 21वीं सदी में भी एक व्यक्ति और एक दार्शनिक के रूप में गांधी जी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वह पहले थे। गांधी जी द्वारा स्वीकृत सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्म समान, सर्वधर्म सद्भाव अर्थात सभी धर्मों के प्रति सद्भावना, इस वैश्विक एवं तकनीकी युग में सद्भाव और करुणा का वातावरण बनाए रखने, वसुधैव कुटुंबकम विश्व का एक परिवार के विचार को साकार करने के लिए आवश्यक है। आप लोग देखते होंगे कि हमारी विदेश नीति में आप देखते हैं ना कि सर्वधर्म धर्म संभाव की बात की जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। और एक बात और याद रखिए, आप देखते हैं दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहां भेदभाव होता है, तब भी गांधी जी आवाज उठाते हैं। और आज देखिए जो मतलब आप सोचिए कि जो गांधी के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं सुभाष चंद्र या किसी भी नेता भगत सिंह राजगुरु, वो अपने पड़ोस में अगर उनकी पड़ोसी के साथ अगर कुछ गलत व्यवहार हो रहा है तब वो चुप्पी साधे रहते हैं। ये है मतलब वो कार्टून है, वो नमूने हैं, और ये नमूने आपको इंडिया में ही मिल सकते हैं, भारत यानी कि भारत में ही मिल सकते हैं सबसे ज्यादा, जिन्हें खुद के बारे में कुछ मालूम ना रहे और दूसरे के बारे में कमेंट करते रहते हैं। महात्मा गांधी विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा आदि को प्रेरित किया और लेटिन अमेरिका और एशिया मध्य पूर्व तथा यूरोप में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रभावित किया है। किसने? गांधी जी ने। महात्मा गांधी के बारे में एक सामान्य परिचय देता हूं, लेकिन बायोग्राफी अगर आपको सभी लोगों की देखने, फिर चाहे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर चाहे आपके बाल गंगाधर तिलक, जो भी इस तरह के प्राचीन भारत से अभी तक के जो भी आपके प्रधानमंत्री हैं, जो भी राष्ट्रपति रहे, जो भी चर्चा में व्यक्ति हैं, उन सब के बारे में बात कर चुका हूं। बायोग्राफी के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, ठीक है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर की रियासत में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे, उनकी माता का नाम पुतली बाई था, ठीक है। गांधी जी अपने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की और बाद में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। याद रहे कि लंदन में ही उनके एक दोस्त ने उन्हें भगवत गीता से परिचित कराया और इसके प्रभाव गांधी जी की अन्य गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी जिनका दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। याद रहे कि गांधी जी के इस निर्णय ने उनके राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित भी किया है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने आश्रितों और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। उन्हें कई अवसरों पर अपमान का सामना करना पड़ा जिसके कारण उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने का निर्णय लिया है। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और आश्रितों को वोट देने, फुटपाथ पर चलने तक का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया और अंततः 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहने के बाद 1915 में वापस भारत लौट आए। एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग, गांधी जी वहां आप सोचिए कि एक केस लड़ने के लिए गए थे, वो तो उनका अगर मतलब ना होता, वो एक इंसान ना होती, मानवता ना होती, तो वो अपना काम करके लौट आते। आपको भी तो देख लेते हैं कि जिन्हें भौंकने के पैसे दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, वो भौंकते रहते हैं, सीधी सी बात है, इनके बारे में क्या बोले। ये मतलब आप सोचिए कि आस पड़ोस में कोई भी घटना, कितनी भी जघन्य घटना हो रही है, उस पर नहीं बोलेंगे लोग। ये किसी नेता पर आप सोचिए कि आजादी के पहले वाले नेताओं पर कटाक्ष करेंगे, समझ रहे हैं? आप सोचिए कि वही कोई कल लिख रहा था, किसी आर्टिकल में लिखा हुआ था, पढ़ रहा था मैं, कि अभी देखिए जो यूपी में घटना हुई है उस लड़की के साथ, इस पर आप सबकी बहन हो गई, मतलब सब बोल रहे हैं कि मेरी बहन को वो इंसाफ मिलना चाहिए, और अभी रोड पर अगर जाती हुई कोई मतलब कोई किसी लड़की को परेशान कर रहा है, उस समय हमारी बहन नहीं है वो, हम चुपचाप देख कर निकल जाते हैं। अगर उस समय भी हम अगर इसका विरोध करें और हम अपनी बहन समझें तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह की घटना घटने की नौबत ही ना आए। तो थोड़ी तो मानवता, इंसानियत रखनी चाहिए।
अब आप सोचिए, गांधी जी को गए हुए सालों हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग याद कर रहे हैं उनके कामों की वजह से। अगर काम नहीं करते उस समय, तो आप देखते होंगे कि लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे और मर गए होंगे, कौन याद रखे, आज कोई नहीं जानता है। तो इसी तरह हमारा भी इतिहास है रहेगा कि अगर हम मतलब चल रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ मतलब समाज के लिए कर रहे हैं, समाज में मतलब सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा इतिहास लिखा जाएगा, वरना हम 100 साल 200 साल जी जाए कोई मतलब नहीं। तो याद रखिए हमारे काम, वही सही बात कहता है कोई कि सच बोलने वाले और सच का साथ देने वालों का इतिहास लिखा जाता है, तलवे चाटने वाले गुलामी करने वालों का इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। अगर इतिहास में उन्हें याद किया जाता है, तो एक तरह से उन्हें गद्दार नाम से याद किया जाता है। आप सिंधिया को देख सकते हैं ना, बहुत पहले की बात है, तब आप सोचिए कि सालों गुजर चुके हैं और तब रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने धोखे से मरवा दिया। आज भी आप सोचिए, इतिहास में आप इतिहास की कोई बुक्स अच्छी पढ़ेंगी तो उसमें सिंधिया गद्दार था लिखा हुआ है। और आप सोचिए कि जब तक ये इतिहास रहेगा, धरती रहेगी, तब तक वो शब्द लिखा रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हाल है, अपने अंदर झांकते रहिए, और थोड़ा आसपास गलत हो रहा है तो मुझे लगता है इंसान होने के नाते बोलना चाहिए आपको। अभी थोड़ी बात ज्यादा हो रही है, लेकिन क्या करें, देखिए जुड़ा हुआ है आपके टॉपिक से ही। आप देखते हैं पेपर फोर आपका इसी पर पूरा आधारित है एक तरह से। अभी कल ही पर कल मैं बाहर निकल के घूम रहा था, टहल रहा था, मतलब बगल में एक भागवत चल रही थी, तो मैं मुझे बड़ी मतलब अच्छी बात उसमें कही, जो भी भागवत कर रहा होगा, कि मुझे लगता है धर्म कोई लड़ाना नहीं सिखाता है कभी भी। उसमें कहा उन्होंने कि कहीं गलत हो रहा है तो आप चुप नहीं बैठिए, बोल नहीं सकते मतलब बोलिए, बोल नहीं सकते हैं कि तो कुछ लिखिए, लिख नहीं सकते हो तो विरोध कीजिए, मतलब हर हाल में लेकिन उसका गलत का विरोध कीजिए। मुझे लगता है अच्छी बात है। और भी आप देखिए किसी भी धर्म में आप लोग अंदर जाके देखिए तो कोई लड़ना नहीं सकता है। और इस व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से दूर रहिए, हकीकत कम से कम पढ़ लिया करिएगा, ठीक है? और अपने बच्चों को भी सही गलत का मुझे लगता है फैसला, मतलब इस तरह की शिक्षा तो दीजिए कि वो सही गलत का सही निर्णय कर सकें। अब बात करते हैं गांधी और सत्याग्रह की। तो गांधी जी ने अपने संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना करने से था। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह का कोई भी अपना सकता है। उनके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान था जिसकी असंख्य शाखाएं होती है। चंपारण और बारदोली सत्याग्रह गांधी जी द्वारा केवल लोगों के लिए भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु नहीं किए गए थे, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण रवैया का विरोध करने हेतु किए गए थे। आप चंपारण में देखेंगे, बिहार में 1917 की बात है, उस समय भीड़ इसलिए लगती थी केवल गांधी जी को देखने के लिए कि ये मतलब आप सोचिए कि लाठी लिए हुए है और किस तरह से आ रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे प्रमुख उदाहरण थे जिनमें गांधी जी ने आत्मबल को सत्याग्रह के हथियार के रूप में प्रयोग किया है। और यहाँ गांधी जी की बात कर रहा हूं तो मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव या हमारे सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद या कोई भी रहे, उनको हम बाल गंगाधर तिलक, आप सोचिए इनको हम नकार नहीं सकते हैं, ये भी हमारे मतलब एक तरह से पूजनीय है, सम्मानजनक है, इनका भी योगदान उतना ही एक तरह से मैं कह सकता हूँ रहा जितना गांधी जी का रहा है, ठीक है? गांधी जी के धर्म संबंधी विचार की बात करें तो याद रहे कि गांधी जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। चूंकि उनके पिता दीवान थे इसलिए उन्हें अन्य धर्मों के लोगों से मिलने का भी काफी अवसर मिला। उनके कई ईसाई और मुस्लिम दोस्त भी थे। साथ ही गांधी जी अपने युवावस्था में जैन धर्म से भी काफी प्रभावित थे। कई विश्लेषकों का मानना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा हेतु जैन धर्म के पिछले सिद्धांत अहिंसा से प्रेरित प्रेरणा ली है। ये देखिए अहिंसा अभी की बात नहीं है, अहिंसा आप देखते हैं कि स्वामी महावीर के समय, गौतम बुद्ध के समय भी आप लोग देखते हैं अहिंसा की बात की जाती है, तो उस समय भी आप तो इसे देखेंगे। गांधी जी ने भगवान के को सत्य के रूप में उल्लेखित किया है और उनका कहना है कि मैं लकीर का फकीर नहीं हूं, वे संसार के सभी धर्मों को सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसकर देखते थे। जो भी उसमें खरा नहीं उतरता वे उसे अस्वीकार कर देते, और उसमें खरा उतरने उतरता वे उसे स्वीकार कर लेते। अगर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो गांधी मानते थे कि आर्थिक व्यवस्था का व्यक्ति और समाज पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।
और उसमें उत्पन्न हुई आर्थिक और सामाजिक मान्यताएं राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती है। उत्पादन केंद्रित प्रणाली से केंद्रीभूत पूंजी उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप समाज के कुछ ही लोगों की आदर्श में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था केंद्रित हो जाती है। ऐसे में गांधी जी की समाज की संरचना विकेंद्रीकरण पर आधारित मानी जाती है। आप समझिए, एक तरह से गांधी जी चाहते थे कि सबको बराबर मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना रखा जाए, एक आदमी के पास पूंजी ना रहे। गांधी जी के आर्थिक सामाजिक दर्शन में विकेंद्रित उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रित होना, पूंजी विकेंद्रित होने की बात कही गई, ताकि समाज जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों की उपलब्धि में स्वावलंबी हो, उसे किसी का मुखापेक्षी न बनना पड़े। गांधी और स्वच्छता, आप देखते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है, गांधी की जन्म मतलब आप सोचिए उनकी जयंती पर ही शुरू किया गया, और एक तरह से उन्हीं की राह पर चलकर। गांधी जी स्वच्छता को स्वतंत्रता से ही भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं थे। भारत में स्वतंत्रता का एक बड़ा मुद्दा है, जिसे केवल एक रेल यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देश में कई लोगों के लिए स्वच्छता एक दिया स्वप्न है, और इनकी स्वच्छता में उनकी सहायता करने के लिए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया, और 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है। अच्छी बात है। एक मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब का, अगर प्रधानमंत्री साहब का देखा जाए, तो एक कार हमारा व्यस्त रहा है। आप सोचिए कि स्वच्छ भारत, हालांकि उनमें से कई शौचालय कार्यरत अवस्था में नहीं है और उनमें जल की सुविधा नहीं है, किंतु यह इस बात पर विशेष बल दिया जाना चाहिए कि इस प्रयास ने अभूतपूर्व जन जागरूकता का सृजन किया है। देखिए, हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। आप कहिए, प्रधानमंत्री साहब के बारे में भी कई लोग बुराइयां भी कहते हैं, कई अच्छाइयां भी करते हैं। देखिए, जो अंधभक्त होते हैं वो अंधभक्ति की तरह से देखते हैं, कुछ उन्हें गलत नहीं दिखता है मोदी साहब में, हमारे प्रधानमंत्री। और जो विपक्ष वाले होते हैं, जो एक तरह से उन्हें बुरी नजर से देखते हैं, वो बुराई बुराई करते रहते हैं, उन्हें अच्छाई का पता नहीं होता। आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान, आप देखिए उज्ज्वला योजना, आप देखिए मैं कहता हूँ कि जनधन खाता योजना, ये ऐसे ही काम है। मतलब आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब के जो होना चाहिए था, आप समझ रहे हैं, डेली डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अच्छी पहल है, बस काम होता रहना चाहिए ऊपर। गांधी और स्वराज की बात करें तो गांधी जी ने ऐसे रामराज का स्वप्न देखा था जहां पूर्ण स्वशासन और पारदर्शिता हो। उन्होंने यंग इंडिया 19 सितंबर 1939 में लिखा कि रामराज्य से मेरा मतलब हिंदू राज्य नहीं है, मेरे रामराज्य का अर्थ है कि ईश्वर का राज्य। मेरे लिए राम और रहीम एक ही है। मैं सत्य और धैर्य, धार्मिकता की ईश्वर के अलावा किसी और ईश्वर को स्वीकार नहीं करता हूं, चाहे मेरी कल्पना के राम कभी भी इस धरती पर रहे हो ना रहे हो। रामायण का प्राचीन आदर्श निसंदेह सच्चे लोकतंत्र से एक है, जिसमें एक बहुत बुरा नागरिक भी एक जटिल और महंगी प्रक्रिया के बिना त्वरित न्याय को लेकर आश्वस्त है। 2 अगस्त 1934 को अमृत बाजार पत्रिका में उन्होंने कहा था कि मेरे सपनों की रामायण और राजा और निर्धन दोनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करती है। फिर 2 जनवरी 1937 को हरिजन में उन्होंने लिखा था कि मैंने रामराज्य का वर्णन किया है जो नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों की संप्रभुता है। आज आप रामराज्य देख रहे हैं, उस समय के रामराज्य में जमीन आसमान का फर्क है। वह समय के रामराज्य में सबको जगह थी, किसी समाज के किसी भी नीचे हो, फिर चाहे वो चोर गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का समूह का हो, सबको स्थान मिला था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बढ़ चुके हैं। सुशासन की दिशा में सभी मंत्रालयों द्वारा सभी नियमित जानकारी और डेटा का सक्रिय प्रशासन ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका और उत्तरदायित्व बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सरकार ने देश में आकांक्षी पूर्ण जिलों की पहचान की और नीति आयोग 39 संकेतकों पर इसकी निगरानी करता है। इस पहल का उद्देश्य जिन जिलों को अन्य जिलों के बराबर या बेहतर स्थिति में लाया जाए। यह पहल गांधी जी की समाज के पिछले वर्ग के लोगों के उद्यान के प्रयास के अनुरूप है। एक बात और बताऊं, ये आकांक्षी जिला जो पिछड़े जिलों को उठाया गया है कि इन्हें में जो सुविधाएं नहीं मिली हैं अभी तक, पिछड़े हुए हैं, क्यों पिछड़े हुए हैं, इन्हें समान रूप एक समान स्थिति में लाना। पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप सोचिए, अगर गांधी जी की 1948 में मृत्यु, यानी कि उन्हें नहीं मारा जाता, तो मुझे लगता है कि संविधान में उसी समय पंचायती राज्यों को, राज्य पंचायतों को जगह मिल जाती, जो आप देखते हैं 1952-53 में मिली। इस मुद्दे पर गांधी जी के विचार बहुत स्पष्ट थे। उनका कहना था कि यदि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में कभी पंचायत राज कायम हुआ
तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा कि जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, ना कोई पहला होगा और ना ही आखिरी। इस बारे में उनका मानना था कि जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकतंत्र से भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकता है। देखिए सरपंचों की अलग बात है, इस तरह इस समय के सरपंचों की मानता है वो कि वो लूट रहे हैं, लेकिन इसका विकेंद्रीकरण का मतलब यही था कि देखिए आप सोचिए कोई विधायक है कोई सांसद है वो उस क्षेत्र की उस पंचायती की एक समस्याओं को नहीं जान सकता है अनुभव नहीं कर सकता है, इसलिए सरपंच चुना जाता है कम से कम वो सब उन समस्याओं को विधायक जी या आप सोचिए संसद तक पहुंचाए, समझ रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि विधायक सरपंच साहब को खुद खाने से मतलब पहले फुर्सत मिल जाए तब तो। गांधी जी भली भांति जानते थे कि भारत की वास्तविक आत्मा देश के गांव में बसती है, अतः जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक देश के वास्तविक विकास की कल्पना करना बेमानी है, क्योंकि आप जानते हैं आधे से अधिक जनसंख्या आपकी गांव में बसती है। गांधी के दर्शन में देश के आर्थिक आधार के लिए गांव को तैयार करने की कल्पना की गई। गांधी जी का विचार था कि भारी कारखाना स्थापित करने के साथ साथ दूसरा स्तर भी बचाए रखना जरूरी है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है। गांधी और अस्पृश्यता की बात करें यानी कि छुआछूत की, तो गांधी जी या अस्पृश्यता या छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष से भी कहीं अधिक विकराल मानते थे। इसकी वजह यह थी कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में तो उन्हें बाहरी ताकतों से लड़ना था, लेकिन अस्पृश्यता से संघर्ष में उनकी लड़ाई अपने अपनों से थी। वे कहते थे कि मेरा जीवन अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उसी प्रकार समर्पित है जैसे कि अन्य बहुत सी बातों के लिए। गांधी जी ने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाज का कलंक या घातक रोग माना जो न केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण समाज को नष्ट कर देता है। गांधी जी का कहना है कि कहना था कि इस अस्पृश्यता के कारण हिंदू समाज पर कई संकट आए, और वे कुछ हिंदुओं के इस तर्क से भी सहमत नहीं थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अंग है जिसे समाप्त करना संभव नहीं होगा। एक बात और आप जान लीजिए कि आजादी हमें 1947 में नहीं मिली, एक तरह से आप कहिए कि प्रोसेस चालू हो गया था 1947 से, अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी, लेकिन जो हमारे समाज में बुराइयां थी हमारे भारत में जो एक तरह से जो भी इस तरह की बुराइयां थी उन्हें हटाना एक तरह से शुरू हो चुका था और आगे हटना चाहिए था, लेकिन आप भी देखते हैं आज भी बराबर भेदभाव देखा जाता है। सतत कृषि की बात करें तो महात्मा गांधी मानव और प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध मानते थे, वह आत्मनिर्भर कृषि में विश्वास करते थे, लेकिन आज हमारा कृषि क्षेत्र संकट में है। आप देख रहे हैं कि किसान कई जगह सुसाइड भी कर रहे हैं, किसानों का सुसाइड करना एक तरह से आप कहिए कि भारत माता की जो आत्मा है उस पर धक्का लगने वाला जैसा है। आप सोचिए कि अगर देखिए युवा सुसाइड करे या जो हमारे भविष्य है वो किसान, तो हम सोचिए कि हमारी स्थिति बहुत बुरी चल रही है, हमारा देश अच्छे रास्तों पर नहीं चल रहा है। हमारे पास 70 मिलियन टन खाद्यान्न का भंडार है लेकिन कीमत इतनी अधिक है कि हम इसका निर्यात नहीं कर सकते। एक बात और बताऊंगा आपको कि आधी से अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी खेती पर निर्भर रहती है। कई जगह आप देखेंगे, देखिए आप लोग कई राज्यों में ऐसा कि 80 से 90% तक जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। इस तथ्य के बावजूद कि हमारा हमारा हमारे देश में बहुत सारे कुपोषित लोग हैं, हम लागत और लागत बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए बात है। भारत में कम से कम 43 से 45% कामकाजी आबादी कृषि में संलग्न है। इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 14 से 16% है, अतः भारत कृषि निम्न उत्पादक से ग्रस्त है यानी कि कम उत्पादन होता है। एक तो क्या है कि पारंपरिक खेती पर हम निर्भर हैं, हम ना मिट्टी की जांच करवाते हैं ना हम बीज की अच्छा लगाते हैं और डाल देते हैं बस भगवान भरोसे। विदर्भ के अमरावती जिले के स्वास्थ्य पालिकर के दिमाग के ऊपर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर पर नीति आयोग द्वारा बहुत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमारी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने और एक स्वस्थ और समृद्ध भारत सुनिश्चित करने में सक्षम है। पारंपरिक भारतीय कृषि प्रणाली में रासायनिक आगतों का कम से कम प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में गांधी की प्रासंगिकता की बात करें तो संप्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद के इस वर्तमान दौर में गांधी तथा उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिए सभी सभी धर्मों विचारधारा को साथ लेकर चलना चाहिए। आप देखिए एक तरह से आप समझिए कि अगर आप किसी के धर्म को या किसी व्यक्ति के को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो आप असल में अपने सम्मान को अपने धर्म की को नीचे गिरा रहे होते। देखिए डरता कोई नहीं है, इस समय आप देख रहे हैं कि आप भी डॉन है दूसरा भी, तो कम से कम एक दूसरे को सम्मान देंगे मुझे लगता है बेहतर आपको सम्मान मिलेगा।
आज के दौर में उनके सिद्धांत बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी इतनी अधिक जरूरत कभी नहीं महसूस की गई। लेकिन इसके साथ एक विरोधाभास यह भी है कि इतना सब होने के बावजूद कोई भी उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं है। मालूम है कि हमारा भारत उन्हीं के रास्तों पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी प्रयोग धर्मी व्यक्ति माना जाता है, लेकिन यह प्रयोग केवल बौद्धिक स्तर पर सीमित नहीं था, बल्कि इसे उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा, जिसकी कुछ लोग आज के दौर में आलोचना भी करते हैं। लेकिन उनके चिंतन और प्रयोगों में लोग क्या कहेंगे जैसे शब्दों का स्थान नहीं था। आधे लोग तो एक तरह से आप सोचिए इसीलिए परेशान है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते हैं, आप सफल हैं तो आपको सफल कहेंगे, आप फेलियर हैं तो आपसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लोगों में नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मिखाइल गोरबाचोव, अल्बर्ट श्वाइट्जर, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, आंग सान सू की, पोलैंड की लेख वालिसा आदि ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने देश में गांधी जी की विचारधारा का उपयोग किया और अहिंसा को अपना अधिकार बनाकर अपने इलाके देशों में परिवर्तन किया है। आप जानते हैं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला साहब को। यह प्रमाण इस बात का कि गांधी के बाद और भारत के बाहर भी अहिंसा के जरिए अन्याय के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई और उसमें उसमें विजय भी प्राप्त हुई है। लास्ट में कह सकते हैं कि महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी की दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। वे पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, मौलिक शुद्धता, करुणा और इन उपकरणों के सफल प्रयोगकर्ता के रूप में याद किए जाते हैं, जिसके बल पर उन्होंने उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ पूरे देश को एकजुट कर आजादी की अलख जगाई। आज दुनिया के किसी भी देश में जब कोई शांति मार्च निकलता है या अत्याचार व हिंसा का विरोध किया जाता है या हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाता है, तो ऐसे सभी अवसरों पर पूरी दुनिया को गांधी याद आते हैं। अतः यह कहने में अति संयुक्ति नहीं कि गांधी के विचार, दर्शन, सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। ये गांधी जी की एक तरह से कहानी है। एक बात और आपको बताऊं, कई लोग लिखते रहते हैं, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, कि वो भारत पाकिस्तान को बंटवाने में गांधी जी का हाथ है। देखिए उस समय की परिस्थितियां वो बन चुकी थी कि बढ़ना ही एक तरह से सॉल्यूशन था। मारकाट हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि आप इतिहास पढ़िए तो बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। और कभी भी आप किसी को उसकी मतलब अपनी नजरों से मत देखा करिए। कोई समस्या है तो उसकी जगह अपने आप को रख के देखिए, फिर आप क्या सोचते हैं। अभी आपने देखा है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग लॉकडाउन के टाइम ट्रेन के आने के से मर गए, कुछ मतलब कट गए उससे। एक महिला का तस्वीर काफी वायरल हुई थी जो रोड पर अपने बच्चे को जन्म देती है फिर उठकर चलने लगती है, उसके बारे में भी भद्दे भद्दे कमेंट लिखे गए। तो उसके जगह अपने परिवार के मेंबर को रख के देखिए आप लोग, फिर आप क्या फैसला करते हैं, तब आप लोग करिए बात, ठीक। तो मुझे लगता है कि बेहतर आप सोच सकते हो, बेहतर लिख सकते हैं। चलिए खैर छोड़िए, आप लोग अच्छे से एक बैलेंस बनाकर लिखा करिएगा और आपको बेफालतू की सोशल मीडिया पर कम ही भरोसा किया करिएगा, ठीक है।